नमस्कार सर, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ पधारे। शुक्रिया सर, मैं सबसे पहले आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। देखिए, मेरा जन्म जयपुर में हुआ है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जयपुर ही रहा हूँ। पढ़ाई भी मेरी सब जयपुर से ही हुई। मैंने पढ़ाई में बीकॉम करा, उसके बाद एमबीए करा। उसके बाद मैं तीन मल्टीनेशनल के साथ काम किया। मैंने तीन मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में काम करके टोटल अभी मैं रिसेंटली मैंने एकेडमिक्स ज्वाइन करी है लास्ट 3 साल से। और मैं अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग विद अ एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मैंने मास्टर्स करी है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। और मैंने इसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने इंटर्नशिप करी है डॉक्टर शिव गौतम के साथ इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड आई एम अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो। इसके एजुकेशन में अगर आप बात करें तो मैंने पढ़ाई लिखाई के साथ अभी मेरी पीएचडी चल रही है। मेरी पीएचडी चल रही है वनस्थली विद्यापीठ निवाई से। और मैं एक हॉबीज में अगर हम बात करें तो आई एम अ फूडी। मैं फूड का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। जयपुर का लोकल है तो सारा, तो यही मेरी लाइफ जर्नी है अभी तक की। तो सर, आप 12th क्लास पास आउट हो जाते हैं, जो बच्चे उनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आप उनको कौन सा कोर्स या डिग्री सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, 12th का मैं मानना चाहूंगा कि 12th के बाद अगर कोई इंसान, हमें वाकई में किसी बिजनेस में इंटरेस्ट है, या तो हमको पहले उस पर्टिकुलर जो हमारा सिनेरियो है, जो बिजनेस है, या जो भी हमारा जिस भी इनमें हमारा इंटरेस्ट है, वो हमें एक बार फाइंड आउट करना चाहिए कि कैसा हमें अपना इंटरेस्ट या पैशन कैसे फाइंड आउट करें। जैसे आज आप यूट्यूब कर रहे हैं तो आपके इंटरेस्ट है, पैशन है, फाइंड आउट है। उसके बाद जो मेरा ये अंदाजा रहता है कि जिस भी काम को उनको करना है, जिस भी बिजनेस में उनमें जाना है, तो पहले उस जगह की उस फील्ड में जॉब करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको अपना रेस्टोरेंट सेटल करना, रेस्टोरेंट बनाना है, या रेस्टोरेंट का शौक है, या फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई किसी कंपनी में स्टार्टअप करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं XYZ, तो वो उस किसी कंपनी में जॉब करे। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, 12th के बाद वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करें। जैसे अभी मेरा एक कजन है, मैंने उसको कहा कि आप आजकल ऑप्शंस बहुत है, आप ऑनलाइन करिए, या फिर आप अपनी अपने रेगुलर स्टडीज ना छोड़े, और उसके साथ साथ आप जिस कंपनी में आप चाह रहे हैं या जिस भी फील्ड में आप चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करके उसके बाद उसी कंपनी में, उस फील्ड में आप जॉब करें पहले। तो ये एक मेरा उनको लोगों का सजेशन रहेगा। आजकल 12th पास, फाइंड आउट योर पैशन। फर्स्ट इज टू फाइंड आउट योर पैशन। सेकेंड, पैशन फाइंड आउट करने के बाद आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। आपकी ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें कि डिस्टेंस से करें आप। और उसके बाद जिस पैशन को आपने फाइंड आउट करा है, जो लाइन आपने फाइंड आउट करी है, उस लाइन की कंपनी में उसमें आप जॉब करना शुरू करें और उससे सीखें। क्योंकि देखिए, समझिए, खुद का स्टार्टअप करने पर हमें बहुत सारी चीजें ये होती है कि बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, तो वो उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आप अगर चाहे किसी और के साथ, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो आपको सिखाएगी भी, साथ में साथ आपको पैसे भी देंगे, तो एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। कोई पर्टिकुलर कोई बंदा है जिसने एमबीए करा है और उसको बुक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, और एक बंदा है जो मार्केट का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, दोनों से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस क्या है? देखिए, ऑब्वियस ये बात है कि जिसको बुक्स की नॉलेज है वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि मेरी हमेशा से मेरी जो बात रही है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप बुक्स की नॉलेज है तो बुक्स में, लेकिन रियल वर्ल्ड में बेटा जो सिनेरी होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, जो कहानी होती है। क्योंकि मैंने एमबीए में 36 सब्जेक्ट पढ़े, 36 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि जो मार्केट का गेम है वो बिल्कुल अलग है। वहां पे 2-2% के लिए रिटेलर से मेरे को माथाफोड़ी करनी पड़ती है, 2-2% के लिए। तो बुकिश नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में, सेल्स लाइन में, बीइंग अ सेल्समैन में, अगर मैं कहूँ, सेल्स लाइन में बहुत फर्क है। तो जो बंदा एमबीए करता है, ऐसा हो सकता है एमबीए जिसने करा उसको मार्केट की नॉलेज, जब हम केस स्टडीज करते हैं तभी तो एमबीए में इंटर्नशिप आता है। एमबीए में इंटर्नशिप का एक सेट आता है। क्यों करवाते हैं इंटर्नशिप? ताकि रियल लाइफ इंडस्ट्रीज की उनको एक्सपीरियंस ले सके। तो ये तो हमेशा से ये रहेगा कि जो मार्केट सिखाता है वो कोई किताब, कोई कोर्स, कोई डिग्री नहीं सिखाती। और इसी की वजह से एमबीए में एक इंटर्नशिप का होता है जो इंडस्ट्री से उनका एक्सपोजर कराती है, रियल लाइफ इंडस्ट्रीज से। तो ये है। आप कॉर्पोरेट में जॉब करते थे? जी हाँ। कॉर्पोरेट को लीव क्यों दिया? कॉर्पोरेट को लीव क्यों करा? देखिए, कॉर्पोरेट को लीव, मेरे एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट जॉब भी रहा, मैं अपने जो जॉब थी उसमें सक्सेस पे रहा। लेकिन फिर हम यहाँ पर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। जैसे आप, हो सकता है आपको दाल बाटी पसंद हो सकता है आपको चाउमीन पसंद हो सकता है किसी को
कुछ और पसंद हो फूड में, इटालियन पसंद हो, पिज्जा पसंद हो, तो यहाँ प्रेफरेंस होती है। प्रेफरेंस में दो चीज है सर, मेरा मानना यह था कि हम समाज को वापस क्या देते हैं, बाय बैक टू द सोसाइटी। आज एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा लूपहोल मुझे लगता है, वो लूपहोल मुझे ये लगता है कि एक एमबीए करने वाला सीधे मार्केट में चले जाता है, उसको मार्केट की नॉलेज नहीं होती। यूजीसी को भी ये बात समझ में आई तो उन्होंने एक पोजीशन निकाली प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, उसमें वो इंडस्ट्रीज के उन हम जैसे लोगों को जो सेल्स में और जिन्होंने रियल लाइफ का एक्सपोजर रहे, जिनको रियल एक्सपोजर रहा, उनको लेकर आ रहे, ताकि बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड हो। देखिए हमें आज डिग्री देने वाली सोसाइटी नहीं बननी है, हमें आज सोसाइटी बननी है जो सोसाइटी एम्प्लॉयबल बन सके। हो क्या रहा है अभी, थ्योरिटिकल एक बंदा होता है, मैं देखिए किसी को वो नहीं कहूंगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एक बंदा जिसने मार्केटिंग में पीएचडी करी, उसको मार्केट का नॉलेज नहीं है लेकिन उनको बुक की नॉलेज है, वो मार्केट की सिनेरियो को ज्यादा बेहतर काम करवा पाएगा। ये वो बंदा जिसने मार्केट में रह के मार्केट की चीजों को समझा, लेकिन उनके पास डिग्रीज कम है। आज आप देखेंगे वर्कशॉप पे जो वर्कर्स होते हैं वो कई इंजीनियर्स से ज्यादा कैपेबल होते हैं, लेकिन उनके पास डिग्रीज नहीं है या उनके पास वो नहीं है, तो इस वजह से वो वर्कर ही रह जाते हैं, वही इंजीनियर्स डिग्री लेके। तो दोनों की अलग अलग वैल्यू है। तो मेरा कहने का मतलब ये एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स या बीसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स जिनमें हमें हैंड ऑन प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो वो बहुत जरूरी है। तो मेरे को ये था कि समाज को मुझे क्या लौटाना है, हम सबको समाज को कुछ लौटाना है, क्योंकि सर समाज नहीं से ही हमने लिया है। समाज को लौटाने के लिए मुझे अकेडमिक्स से बेहतर कुछ नहीं लगा, मुझे लगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सेल्स में या नेगोशिएशन में, वो मैं अपने बच्चों को, समाज को, उनको दे सकूं। इसलिए मैं एक कॉर्पोरेट की लाइफ छोड़ के एक अकेडमिक्स की लाइफ में मैंने ज्वाइन करा। सर जैसा कि आपने एमबीए किया, जी हाँ, तो आपका मेन रीजन क्या रहा, जब एमबीए करने जा रहे थे तो आपकी क्या थिंकिंग? देखिए हमारे टाइम पे जब हम एमबीए करने जा रहे थे या जब हमने बीकॉम कराए, तो हमने हमारी उस जमाने में कोई थिंकिंग नहीं हुआ करती थी। टू बी वेरी, हम वो करते थे जो हमारे चार दोस्त करते थे। आप चार दोस्त बैठे तो आपने जो करा क्या करेंगे भाई, कि अब बीकॉम करेंगे, तो हम सब बीकॉम की तरफ चले गए। तब हमारे को कोई करियर काउंसलर या पर्सनल गाइडेंस देने वाला था नहीं। फिर आप उस वक्त एमबीए का बहुत रिवाज था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो मेरे चार दोस्तों ने क्या करा कि हम सब एमबीए करेंगे, तो हम सब एमबीए में चले गए। अच्छा, इसीलिए मैंने दो बार एमबीए करा। मैंने पहला एमबीए करा आरटीयू से, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, फाइनेंस मार्केटिंग में। उसके बाद मैंने जेएनयू से डिस्टेंस में मार्केटिंग मैनेजमेंट से एमबीए करा, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस में बिल्कुल नहीं है। मुझे लोगों से बात करना, घूमना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह जाना, ये ज्यादा बेहतर है। और मैं एक 9 to 5 जॉब या कॉर्पोरेट जॉब में, सिटिंग जॉब में नहीं कर सकता। इस वजह से मैंने दोबारा दूसरा एमबीए करा जब मैं अपनी जॉब में डिस्टेंस में आया, इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में जेएनयू से डिस्टेंस करा। तो पहले मैंने यही कहा कि हमको अपना पैशन, अपना जिस चीज में मजा आ रहा है, अपना इकीगाई फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। वो हम करेंगे तो हमें एक भी दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी जब मैं अकेडमिक्स में रहता हूँ तो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जब मुझे लेक्चर देने होते, 6-6 घंटे मुझे लेक्चर देने होते, और लोग पूछते सर आप थके नहीं, मैं कहता हूँ नहीं थका, क्योंकि मैं अपना पैशन को अपना मैंने प्रोफेशन बनाया। ये बहुत जरूरी है हर फील्ड में। और बच्चों के साथ हमेशा काम करने से सबसे बेस्ट ये था, आप हमेशा डेवलप रहते हैं, आप हमेशा यंग रहते हैं। थैंक सर। कोई बंदा है जो मतलब कि एक तो बड़ी इंडस्ट्री होती है जैसे कि टाटा स्टील का काम करती है, और जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में भी कुछ कंपनीज है, अब वहां पे अगर कोई बिना कम पैसे के साथ जाता है तो अपना बिजनेस बना सकता है क्या वहां पे जाके? अच्छा, देखिए मैंने यही कहा कि सारे बिजनेसेस जो टाटा, बाकी अगर आप बात करते हैं या किसी भी, आप एयरटेल की आप बात कर लीजिए, एयरटेल का जो संस्थापक थे, जो भारती मित्तल साहब थे, सुनील भारती मित्तल साहब, उन्होंने अपना बिजनेस कैसे बनाया? स्कूटर्स में हेडसेट्स बेचते थे, आप समझे? तो आज उन्होंने एयरटेल बना ली। हर इंसान में पैशन है कि वो अपना बिजनेस बना ले और बना सकता है और उनको टक्कर दे सकता है। बस ये है कि उसको उसकी कीमत चुकानी है, उसको उतना पैशनेट होना पड़ेगा। आप देखिए ना कितने स्टार्टअप है आज हमारे यूनिकॉर्न थे जो जीरो से शुरू हुए। जियो था, जियो ने आने के बाद पूरा मार्केट खत्म कर दिया। हाँ, पर एक नॉर्मल बंदा जिसके पास कम मनी है तो वो फिर पूरे मार्केट को कैसे करेगा? मतलब उसको लिए उसको क्रिएटिविटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसको क्रिएटिव होना पड़ेगा। देखिए जियो ने आके मार्केट खत्म कर दिया, जियो ने ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी अपनाई, एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बना दी और पूरा मार्केट को उसने कर दिया। लेकिन आप ये देखिए जियो की शुरुआत भी कहां से हुई? एक बंदे, एक जियो की शुरुआत हुई धीरू भाई अंबानी से, कुछ नहीं थे, लेकिन वो आगे जाके, उनको पैशनेट थे, 5 स्टार में जाके चाय पीते थे,
देखते थे कैसा है, उनको उनका पैशनेट था। उसके बाद अब आप समझिए बात को कि आपको अगर मल्टीनेशनल को या मल्टीनेशनल को आपको टक्कर देनी है तो ज्यादातर आपको ये करना पड़ेगा कि आप उनको बिल्कुल आप उनको कॉम्पीट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको अपने फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और जीरो से हीरो तो बहुत एग्जांपल हो गया, आज यूनिकॉर्न बन गई है हमारी और बिल्कुल कर सकता है कोई भी आदमी, बस आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अभी आप देखिए अगर जियो की बात करें तो जियो ने जब अपने रेट्स बढ़ाए, वीडियो अपने जो टैरिफ प्लान बढ़ाए, उसके बाद से काफी कस्टमर्स जो है जो हमारे पुराना जो मीडियम और मिडिल क्लास कस्टमर या लोअर मिडिल क्लास थे वो बीएसएनएल में शिफ्ट हुए, तो ये अपॉर्चुनिटी है ना। तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, क्रिएटिविटी से आप सब कुछ कर सकते हैं। पहले के टाइम में जो लोग थे वो अपना इंस्पिरेशन अच्छे लोगों को मानते थे, मतलब सुंदर पिचाई हो गया या कोई अच्छा बिजनेसमैन हो गया, पर आज के टाइम में तो डॉली चाय वाले जैसे लोगों को इंस्पिरेशन मान रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा आपने एग्जांपल बताया, डॉली चाय वाले को अपना इंस्पिरेशन मान रहे हैं, या फिर हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, दो तीन कोई वड़ा पाव बेचती है, हम ना कोई कई हम नाम ना ले अपने पॉडकास्ट में तो ज्यादा हमारे को वो है कि कल को क्या पता हम पे कोई कॉपीराइट या कोई स्ट्राइक कर दे, तो हम इन्हें आजकल, हाँ बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि आजकल के यूथ उनको अपना इंस्पिरेशन मांग रहे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो है ये आपने देखा बरसात होती है तो कुछ बरसात से कीड़े निकलते हैं, वो रात भर भी नहीं वो होते बरसाती कीड़े या बरसाती मेंढक, तो सब ये वो है, इनकी सक्सेस ज्यादा वक्त तक रहेगी नहीं। रीजन बिहाइंड दैट क्या रहता है सर कि इनके पास कोई लॉन्ग टर्म कुछ नहीं, ये आजकल की जो 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 भी यंग अपने आइडल मांग रहे हैं इनका मैक्स टू मैक्स है बिग बॉक्स तक, या एक बड़ा नाम मत लीजिएगा यहाँ पे टीवी चैनल का, एक शो तक जाने का। आप देखिए ये जितने भी बड़े हैं, ये जितने बड़े हैं उनको भुला दिया गया है, आज उनका कहीं नाम नहीं रहना, मैं कोई मंडल मंडल करके औरत थी या कोई ढाबा वाबा था, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको भुला दिया गया है, उनको भूल गए। तो ये वो इंस्पिरेशन है, आज हमें इंस्पिरेशन नहीं चाहिए, आज हमें आज के यूथ को सेंसेशन चाहिए, उसको मजा चाहिए, सेंसेशन चाहिए कि कोई डिफरेंट एंजॉय करा दे। सक्सेस तो बेटा कामयाबी तो वो कहेगी जो बरसों तक कामयाब रहा, जो मिलियंस तक कामयाब रहा, जो सालों तक जिसकी हो रही, वो हार्डवर्क डेडिकेशन पैशन को फॉलो करने से आएगा, ना कि इन बरसाती मेंढक की तरह या बरसाती कीड़ों की तरह, इनकी ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं होती। सर आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम पे कौन सा स्टार्टअप करना बेस्ट रहेगा जिसमें ज्यादा स्कोप हो? देखिए इंडिया की जो इस वक्त जो मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त हमारे देश का इंडिया का दौर है, आपको पहले में दो चीजें होती है स्टार्टअप करने में, पहला चीज ये होती है कि आपको अपना पैशन फॉलो करिए जिसमें आपको अच्छा लग रहा है जो पैशन कर रहा है, दूसरा आप ये देखिए मार्केट की जरूरत क्या है, मार्केट में क्या बड़ी गैप आ रहा है, क्या बड़ा इश्यू आ रहा है मार्केट में, क्या बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट में, उसको आप अपना स्टार्टअप बना के लेके जाइए, बहुत चलेगा। आप मार्केट की वो देखिए कि हमें जरूरत क्या है। एग्जांपल देने के लिए मैं अगर आपको बात करूं, जैसे अगर मैं शुरू बड़े एग्जांपल्स दूं तो मार्केट में आपके एयरबीएनबी चला, ओला उबर चला, कि भाई ऑटो वालों का एक वो था कि ऑटो वालों का वो था, आज ओला उबर है बेसिकली, तो ये कॉपीज है ना, एयरबीएनबी का कॉपी हमने करा हुई हो, हमने करा क्या, हमने तो कॉपी करा, और कॉपी करने में कोई बुरी बात नहीं है, कॉपी करना में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि स्टीव जॉब्स तक ने कह दिया कि उन्होंने एप्पल में सारी चीजें कॉपी करी है, तो कॉपी फ्री फायर है जी, कॉपी करी, पबजी का फ्री फायर आया, कॉपी करना बुरी बात नहीं है, एयरबीएनबी का ओयो आया, उबर का ओला आया, कॉपी करिए। आपको अगर अपना फ्रेश ऑर्गेनिक स्टार्टअप बनाना तो मार्केट में देखिए मार्केट में किस चीज की जरूरत है, नीड्स किस चीज की, आप कस्टमर की नीड्स को पकड़िए, कस्टमर आपको कामयाब कर देगा। आप स्टार्टअप ओनर्स के लिए, मैं स्टार्टअप ओनर्स के लिए मेरा यही है कि आपको अपना बहुत मेहनत से अपने पैशन से काम करिए और अपना पैशन फाइंड आउट करिए और उसको आगे बढ़ाइए, और घबराइए मत, किसी भी चीज में घबराने से कुछ वो नहीं होता, 100% कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम आगे बढ़ाते जाइए, आपको घबराने का नहीं है। क्योंकि देखिए आप समझिए, किसी भी हो, एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा फिर मैं, उसका स्टार्टअप था, कई बार फेल हुआ, लेकिन उसके बाद आज उसके हेडफोन सब जगह बिक रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी वो सब आए थे। आप घबराइए मत किसी चीज को, पैशनेट तरीके से काम किया, आपके पास खोने का कुछ नहीं है, आपको सब चीजें आपको पानी है, आपको घबराना नहीं है, सक्सेस में सारी चीजें एक साथ मिलती है, बात आप समझिए। कोई भी स्टार्टअप मेरे को आप बता दीजिए जो पहले दिन से ही सक्सेसफुल रहा,
और फिर वो कंटिन्यू रहा। तो स्टार्टअप का पहला ये है कि आप पहले यूनिक आइडिया, अपना पैशन फॉलो करिए, यूनिक आइडिया फॉलो करिए, और उसके बाद आप, क्योंकि देखिए पैसा आज स्टार्टअप के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका आइडिया होना चाहिए, आपके पास आइडिया होना चाहिए। और स्टार्टअप में जो पैसा देते हैं, जो बड़े बड़े लोग आप में इन्वेस्ट करते हैं, वो सिर्फ आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका पैशन देख रहे हैं, आपका मोटिवेशन देख रहे हैं, वो किसी आपके आइडिया को नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि ये बंदा कितना मोटिवेटेड है, ये जो सामने वाला बंदा है ये कितना अपने स्टार्टअप को, इसके अपने आइडिया में, अपने आप पे कितना भरोसा है। जब आपको खुद पे भरोसा होगा तो आपको आइडिया में भी भरोसा होगा, आपके स्टार्टअप में भी भरोसा होगा, आपकी बात में भी भरोसा होगा। स्पिरिचुअलिज्म देखिए बिल्कुल ही अभी एक फोर्ट से ही अलग एक वो हो गया। देखिए आज स्पिरिचुअलिज्म को अगर मैं डिफाइन करूं तो स्पिरिचुअलिज्म एक समुंदर है और रिलीजन उसकी छोटी छोटी मछली, इसकी मछलियां कह सकते हैं या व्हेल्स कह सकते हैं। हर इंसान के लिए स्पिरिचुअलिज्म का अलग मायना, हर इंसान के लिए, किसी के लिए स्पिरिचुअलिज्म है बैठ के मेडिटेशन करना, किसी के लिए स्पिरिचुअलिज्म है लोगों की मदद करना, किसी के लिए स्पिरिचुअलिज्म है कि अपने आप को, अपने अपने थॉट्स को, अपने आप को और बेहतर बनाना। बहुत बड़ा एक समुंदर है, रिलीजन उसकी छोटी मछलियां हैं या उसके अंदर का वो है। लेकिन आज वो क्या गया है सर, स्पिरिचुअलिज्म रिलीजन को हमने स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ दिया, जबकि ये दोनों चीजें अलग अलग है। आज स्पिरिचुअलिज्म भी एक मार्केट बन गया है। आप देखिए, आप कोई भी चैनल खोल के देखिए, हर इंसान कह रहा है हमसे जुड़ो, हम आपको भक्ति के, मोक्ष के और ध्यान के मार्ग में ले जाएंगे, क्योंकि हमको इस चीज में भी मार्केटिंग आ गई है। स्पिरिचुअलिज्म अपने आप को जानना, अपने थॉट्स का, अगर आप एनलाइटमेंट का मतलब है कि अपने जो दो थॉट्स के बीच में जो विचार शून्यता है, लेकिन क्योंकि आज हम अपने आप से ही सबसे ज्यादा भाग रहे हैं, आज हम अपने आप से, कोरोना में यही तो हुआ, कोरोना में इतना हम लोगों को घर में बिठा दिया गया, घर में बिठाने से क्या हुआ, कोरोना में हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए, हम लोगों को समझ भी नहीं आया कि हम करेंगे। आज इंसान भाग रहा था अपने आप से, कोरोना ने हमें सबको घर में बिठा दिया। तो ये कोरोना में एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी सबसे ज्यादा इश्यूज हुए। तो स्पिरिचुअलिज्म एक बहुत बड़ा समुंदर है, जिस बस आपको ये समझना है कि हमको अपना स्पिरिचुअलिज्म ढूंढना पड़ेगा खुद के ऊपर से। हर इंसान के लिए जैसे दो चीजें अलग होती है, वैसे हमारा स्पिरिचुअलिज्म भी अलग अलग होता है। हमको किस चीज में हम उस यूनिवर्स से जुड़ सके, कनेक्ट हो सके, क्योंकि हम सब में उसी का अंश है ना, वी आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये है, दिस इज मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिज्म की ये डेफिनेशन है। हर इंसान की अलग डेफिनेशन है। बाबा वगैरह के लिए क्या बोलना चाहोगे? देखिए बहुत, अगर ये पॉडकास्ट में ये चीज अगर मैं बोलता हूँ तो हो सकता है बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन चलिए अब आपने ये चीज छेड़ी है तो फिर मैं ये बताता हूँ कि आज जो आपको, जो कल्ट आपको कह रहा है कि हमारे साथ जोड़ो, मैं उसको फ्रॉड मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ कि ये कल्ट में वो नहीं, ये कल्ट या ये ब्रांड अपना मार्केटिंग कर रहा है। देखिए जो वाकई में स्पिरिचुअल पर्सन होगा वो तो आपसे जुड़ना ही नहीं चाहेगा, आपको एज अ अनुयायी उसको ढूंढना पड़ेगा, गुरु को ढूंढना पड़ेगा। ऐसे लोग पहाड़ों में होते हैं, जंगलों में होते हैं, या दुनिया से बिल्कुल कटे हुए होते हैं, जो असली में ऐसे लोग हैं दुनिया में जो वाकई में एंटाइटल्ड है, एनलाइटेंड है, लेकिन वो आपसे क्यों मिलना चाहेगा जब उनको आपसे कुछ रीजन ही नहीं है, जब उनसे आपको कुछ लेना, उनको आपसे कुछ लेना ही नहीं है। लेकिन अगर हम किसी कल्ट को फॉलो करते तो कल्ट क्या चाहता है, हमारे अनुयायियों की, हमारे मानने वालों की संख्या बढ़ जाए, हमारे मानने वालों की, हमारे इतने लाख फॉलोअर्स है, यही हो रहा है, हम इतने लाख लोग सुनते हैं जो भी आपसे कह रहा है, जैसे बोलने भाई सब्सक्राइब करो, हां ये सारे बाप, जब आप स्पिरिचुअल हो वो तो आपको सब्सक्राइब की क्या जरूरत पड़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि आजकल जो इंसान कह रहा है हमसे जुड़ो, मेरी नजर में वो अपना मार्केटिंग, अपना धंधा चला रहा है। रिसेंट एग्जाम्पल मैं अगर आपको लेना चाहूं तो अभी एक, वो मैं नाम नहीं लूंगा, एक बाबा के प्रवचन में बगदड़ में लाखों हजारों लोग की डेथ हो गई। एक जमाने में वो बाबा जो थे उनको रिटायर, वो सस्पेंडेड कांस्टेबल थे। तो किसी भी कल्ट से जुड़ने से पहले आप समझिए कि क्यों वो हमसे को जोड़ना चाह रहा है। हमें अगर अपना गुरु ढूंढना है, अपना अपना हमें गुरु को ढूंढना है, तो वो आपसे जुड़ना ही नहीं चाह रहे, ऐसे जो सही में एनलाइटनमेंट। बाकी सबने सब दुकानें खोल रखी है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, हर जगह दुकानें चल रही है, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं इनके नाम। देखिए एक बाबा थे जो इंडिया छोड़ के चले गए, उन्होंने अपना एक देश बना लिया कैलासा के नाम से, नित्यानंद स्वामी, इंडिया से फ्यूजिटिव। बाकी बाबाओं का भी आप देख लीजिए, आज नहीं तो कल ये लोग कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ करते हैं और कहीं ना कहीं जेल में जाते हैं, कहीं ना कुछ करते हैं, क्योंकि एनलाइटमेंट पर्सन के पास दुनिया जाएगी, वो दुनिया के पास नहीं आएगा, ये दुनिया के पास आ रहे ये। आजकल सभी लोगों के जीवन में कठिनाई आती है, वो उनके जीवन में सभी डिमोटिवेट भी होंगे और आप भी होंगे, तो आप कैसे बाहर आए? देखिए, कठिनाई तो हर इंसान कठिनाई से रूबरू होता है, हर इंसान की कठिनाई, जीवन है तो कठिनाई का नाम है। अगर आप एक जगह है जहाँ पे इंसानों के पास कठिनाई नहीं है, वो है अगर आप जाए किसी कब्रिस्तान में जाए, वहां देखिए किसी के पास कठिनाई नहीं है, सब आराम से सो रहे, किसी को ना गर्मी लग रही है, ना सर्दी लग रही है, ना ठंड लग रही है, ना बरसात। तो जीवन का मतलब ही कठिनाई है, पहली चीज। कि अगर आप जीवन में आए, कभी आपने देखा हो तो एक लार्वा होता है, उस लार्वा को जब वो बटरफ्लाई बनता है तो कठिनाई से उसको अपने खोल से बाहर आना पड़ता है, खोल से बाहर आने के बाद ही वो संघर्ष करना पड़ता है। अगर संघर्ष को हम हटा दें तो लार्वा कभी बटरफ्लाई नहीं बन पाएगा। इसी तरह ही चील का अगर हम बात उदाहरण दें तो एक वक्त बाद चील अपनी जिंदगी के कुछ वक्त पूरा होने के बाद उसको दोबारा वो अपने आप को चट्टान पे लेके जाती है और अपने आप को जमीन पे मारती है, अपने ही पर को नोच नोच के, अपनी ही बीक को तोड़ तोड़ के, अपनी ही चोंच को तोड़ तोड़ के वो नई चोंच और नई वो आती है। तो कठिनाई का तो जिंदगी से संघर्ष है, भगवान तक नहीं बच पाए इससे। हम तो इंसानों की बात कर रहे हैं, भगवानों की जिंदगी में कम कठिनाई आई क्या? आप 14 वर्ष का वनवास राम जी ने झेला, आप देखिए, आप अगर आप देखें तो मूसा जो थे, प्रॉफिट मूसा जिसे कहते हैं, उनकी जिंदगी में कठिनाई आई, प्रॉफिट मोहम्मद की, कृष्ण की, किसकी जिंदगी में कठिनाई नहीं आई? तो जिंदगी है तो कठिनाई है, पहली चीज। जब हमारी जिंदगी में भी कठिनाई आई और आज भी आती है, ऐसा नहीं है कि अभी हम क्या कहते हैं कि नहीं अब हम बूढ़े हो गए, आज भी चैलेंजेस आते हैं, आज भी कठिनाई आती है। तो जो मेरा पर्सनल फार्मूला और मैं ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से दुनिया को देना चाहूंगा वो है सर ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्रगुजारी। कि अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बनोगे, जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहोगे, ग्रेटिट्यूड रहोगे, ग्रेटिट्यूड दोगे, शुक्रगुजारी कहोगे, तो आपके पास आपको ये सही बात है, कठिनाई का उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड से, शुक्रगुजारी करने से, कि आपके पास क्या है आप वो देखिए। आपके पास, हम लोगों के पास देखिए, हम लोगों के पास आंखें हैं, 556 मेगापिक्सल या 26 मेगापिक्सल की आंखें हैं। हमारे पास क्या नहीं है, एक कहानी बताऊं मैं अगर आपको, कि एक राजा ने एक राजा से, एक बहुत बड़े सूफी संत थे, उसके पास राजा गया, उन्होंने उससे पूछा कि मेरी सल्तनत की कीमत क्या है। उन्होंने कहा एक गिलास पानी। कि कैसे? कि अगर आप आपके राज्य में जाओ और आप जंगल में गए और वहां आपको पानी नहीं मिला और आपके प्राण पखेरू उड़ने वाले और किसी ने आपको एक गिलास पानी दे दिया तो आप क्या करोगे? कि मैं अपना आधा राज्य उसको दे दूंगा, ठीक है। पर अब आप बताइए कि अगर वो पानी आपने पी लिया और आपके शरीर से निकला ही नहीं तो आप क्या करेंगे? कि मैं अपना आधा राज्य, पूरा राज्य उसको दे दूंगा, बाकी बचा हुआ आधा। एक गिलास पानी आज हम देखिए, अगर कभी भी हम देखते हैं तो आप देखें कि हम कितने शुक्रगुजार होनी चाहिए कि हमारे को ऊपर वाले ने एक हेल्दी शरीर दिया, एक शरीर हमारा हेल्दी, हमें देखने की सुविधा दी, हमारे हाथ पैर सलामत है। कभी भी आपको, हमेशा अगर कभी भी आपको डिप्रेशन महसूस हो रहा है, कठिनाई महसूस हो रही है, तो आप अपने पड़ोस के हॉस्पिटल में जाके उन लोगों को देख लीजिए जो कितनी कठिनाइयों से वो हो रहे हैं। जब भी मेरे को कठिनाई का कोई परेशानी आती थी तो मैं कैंसर हॉस्पिटल है, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल, वहां जाके पेशेंट्स को देखना, तो वहां जाने के बाद मुझे पता चलता था कि मेरी कठिनाइयां तो कुछ नहीं है इन कठिनाइयों से। इन लोगों को आप देखिए कितनी कठिनाइयां, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए या किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाइए जो 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 अब शरीर की दुर्लभताओं से या परेशानियों से गुजर रहा है। तो बट हमेशा ग्रेटिट्यूड रहिए, मेरा मतलब ये कि हर उसके लिए आप शुक्रगुजार बनिए, शुक्रगुजार बंदा होना बहुत जरूरी है लाइफ। तो ये जो आज का यूथ है वो गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर सकता है? देखिए, आज का यूथ गवर्नमेंट से तो उम्मीद ना ही करे तो मैं ज्यादा बेहतर मानता हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर फिर मैं बोलूंगा तो लोगों को ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल आ जाएगा। आज गवर्नमेंट ने यूजीसी का बजट 66% काट दिया। गवर्नमेंट चाहती है कि आप ना तो पढ़े, ना लिखे, ना कुछ और करें, आप मोबाइल में रहे। डाटा पैक सस्ता कर दिया, पहले हमारे जमाने में 1 GB डाटा आता था 350 रुपए का, आज आपको 2-2.5 GB डाटा, अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है 600-700 रुपए में। गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग ना तो पढ़े, ना लिखे, ना आप सवाल पूछा, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी सवाल पूछेगा, वो सुविधाओं की बात करेगा,
पढ़ा लिखा आदमी सुविधाओं की बात करेगा, हमारे लिए क्या करा, और एक अनपढ़ आदमी को आप बहुत जल्दी मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी उसमें लगा सकते हैं, उसको आप धर्म का चरस पिला दीजिए, उसको आप किसी और चीज का चरस, गांजा अफीम का वो दे दीजिए, वो अच्छा है वो। दूसरा, गवर्नमेंट के अलावा जो हमारे, जिनको हम अपने सो कॉल आइडल कहते हैं, जो जो हमारे आइडल, जो हमारे अगर हम कहें जो हमारे, हाँ, जिनकी इंस्पिरेशन जो कहते हैं, तो भाई साहब ये मान लीजिए इंडियन हिंदुस्तान को क्रिकेट को एक रिलीजन है, क्रिकेट एक रिलीजन है, एक धर्म है क्रिकेट। हर इंसान, हर बच्चा अपने आप को क्रिकेटर देखता है। लेकिन आज ये आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडियन क्रिकेट टीम को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? इंडियन क्रिकेट टीम को आज स्पॉन्सर कर रहा है ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रहा है। ड्रीम इलेवन क्या है? एक गैम्बलिंग ऐप है, एक सट्टा है। बाजार में अगर चार लोग सट्टा खेलते थे तो उनको पुलिस पकड़ के उठा देती। आज छोटी छोटी यूथ को, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ, छोटे छोटे यूथ को 45 रुपए, 1 रुपए से सट्टा खिलाना सिखा रही है गवर्नमेंट। ड्रीम इलेवन को हमारी इंडियन क्रिकेट टीम स्पॉन्सर कर रहा है। ड्रीम इलेवन को स्पॉन्सर कर रहे हैं सारे खिलाड़ी, क्या खिला रहे हैं? और जो जो बड़े बड़े खिलाड़ी है, मैं नाम नहीं लूंगा उन सेलिब्रिटीज का जिनको हम सो कॉल सेलिब्रिटीज कहते हैं, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, लूपी पे खेलो, एक्स पे खेलो, सट्टा लगाओ, जो तुम्हारी जेब में पैसा लगाओ। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा जो उनके माँ बाप किसी तरीके से फीस भर रहे और वो सट्टा लगा के फीस को गवा रहे। आस पास में देखिए आपकी। दूसरे जो सट्टा नहीं लगवा रहे वो क्या कर रहे हैं? वो जुबा केसरी करवा रहे। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनको कहते हैं हम, जिनकी दुनिया बात मानते हैं, वो कह रहे गुटखा खाओ, पान मसाला खाओ, जुबान केसरी करो, शराब पियो। तो मेरे को यूथ का के लिए मेरा जो बहुत अहम चीज है, जो कंसर्न है, वो ये है कि हमें गवर्नमेंट से या सेलिब्रिटी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमको अपने पौरुष पे, अपने आप पे हमें वो रहना चाहिए, ताकि हम खुद की जिंदगी बना सके। ये वो लोग हैं जिनकी 7 पीढ़ियां तक खाएगी बैठ के तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इनको इतना समाज ने दिया, लेकिन ये समाज को जहर बेच रहे हैं, समाज को सट्टा खिला रहे हैं, और यूजीसी का बजट गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। कि गवर्नमेंट जाहिल बनाना चाहती है, जाहिलों को कंट्रोल करना आसान है, अगर तुमने पढ़ लिए लिख गए, हक की बात मानोगे, कहां से लाएगी हक? ना तो हमारे पास गवर्नमेंट नौकरियां हैं, ना हमारे पास एजुकेशन है, नौकरियां कहां है? अगर तुम लोग हर इंसान पढ़ के काबिल बन गया, नौकरी मांगने लग गया, तो गवर्नमेंट क्या नौकरी दे सकती है? नौकरियां नहीं है हमारे पास। वो चाहती है कि आप डेटा के नशे में झूमो, आप लोग ड्रीम इलेवन पे सट्टा लगाओ, आप लोग गुटखा खाओ, आप लोग शराब पियो, आप लोग और अश्लीलता में जाओ। ये कोविड के टाइम में एक रेप केस था, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ दिनों पहले। जी, नाम मतलब कोई पार्टी थी, एक्सवाईजेड, हाँ, उसी के कार्यकर्ता थे। हाँ, तो उनके बारे में क्या बोलूं या फिर? देखिए, अभी हमारे देश है, हमारा एक ऐसा देश है जिसमें नारी को पूजा जाता है। हम ही तो नारी को पूछते हैं, हम ही तो देवी मानते हैं नारी को। फिर देवियों के साथ क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि ये कोई भी काम जो करता है ये अपने होशो आवाज में नहीं करता है। ये या तो देखिए, आप देखेंगे अगर कोई, अभी आप एक कलकत्ता का भी एक केस हुआ, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो आदमी ने ड्रग्स ले रखी थी, शराब के नशे में करता, कोई होश में ये काम नहीं करता। बात आप समझिए, तो ये इंसान की, इंसान से लेके हैवान तक के बनने का सफर, वो यही चीज है जो शराब या कोई नशा जो है उसकी वजह से होता है। तो हम उस पर कंट्रोल लेकर आए। दूसरा, तो हम तो वो देश है ना, हम तो भारत माता कहते हैं ना, गाय को माता, हम गाय को माता कहते हैं, हम तो वो देश है। लेकिन उन माताओं में हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, किसी और उसमें तो नहीं। हम जितनी देवी देवता जो देवियां हैं हमारी, उनको तो माता मानते हैं, लेकिन ये इंटॉक्सिकेंट, शराब, ड्रग्स, इसके नशे में ये चीजें बढ़ रही है। अभी तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि क्या है कि हम लोगों ने हर चीज बहुत अश्लीलता बहुत आम हो गई है ना। और मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि हमेशा ताली दो ही हाथ से बजती है, अश्लीलता आम हुई है, दूसरा क्या होता है, ऐसे अपराधियों के लिए सख्त से सख्त सजा नहीं होती है। हम बात तो कर, हम किसी भी चीज में, मैं कहता हूं कि सऊदी अरब की तरह अगर आप 100 लोगों को या 10 लोगों को भी अगर खुलेआम फांसी देते हो, खुलेआम उनका सर काट देते हो, तो बाकी सब जो सोचेगा भी वो भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। डर होगा सब, डर नहीं है आज। आज आप किसी को छेड़ देते हो तो पुलिस की वो जाते हैं, पुलिस वाले FIR नहीं लिखते हैं। 50-60% केसेस में जहां शोषण होता है, वर्क प्लेस पे शोषण होता है, समाज में शोषण होता है, उनकी FIR तक नहीं लिखी जाती है। और ये हमारे सिस्टम की वजह से है। सिस्टम तो फिर वही वाली बात आती है, ये सर्किल बन गया है पूरा। अनपढ़ रखो, हक नहीं मांगेंगे,
शोषित करो, फिर इनको पूरा सर्कल बना दिया इन लोगों ने, ये है। तो ये हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और हमारा फर्ज है गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहना है, हमको गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं करेगी, हम ही है जो खुद को सक्षम बनाएगा। और मैं इसके एग्जाम्पल ये देखिए, टेक्नोलॉजी दोधारी तलवार है, बात समझिए, दोधारी तलवार है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जहां पर आप टेक्नोलॉजी में कुछ गलत चीजें देख सकते हैं, वहीं टेक्नोलॉजी से आप बेहतर चीजें भी तो देख सकते हैं। एक साउथ के एक रेलवे में कुली थे, रेलवे के वाईफाई यूज करके वो कुली ने गवर्नमेंट साउथ की गवर्नमेंट पोजीशन वाली यूपीएससी क्लियर कर लिया उनको कुली ने। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें उस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है। जी सर, आजकल के बच्चों के सामने क्या चैलेंज, आजकल के बच्चों के सामने चैलेंजेस का अंबार है। आजकल के बच्चे जो है उनको वो फोकस नहीं है, हमारा अटेंशन सीकिंग टाइम जो है कुछ सन सेकंड्स है। फॉर एग्जांपल रील्स आप देखते हैं, अगर उस रील ने शुरू के 9 सेकंड में आपका अटेंशन नहीं ग्रैब करा तो आप फौरन उसको स्क्रॉल कर देते हैं। हमारा फोकस जो है आजकल के बच्चों का वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी आ रही है, हम क्या करना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारा फोकस नहीं है, हमारा मूड स्विंग होता है, हमको हम लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन रहता है। रीजन कि हम लोग इंस्टाग्राम वाली जिंदगियां देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की जिंदगियां जिंदगियां नहीं है, वह एक फोटो के पीछे लाखों हजार घंटों की मेहनत होती है। ये वैसा ही एग्जांपल दूंगा, जैसे सपोज करें आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाते हैं, तो आप जो डेट पे जा रहे हैं तो इस आधे घंटे की डेट के लिए आपका पिछला 4 घंटे की मेहनत है। आप नहा रहे, आप धो रहे, आप तैयार हो रहे, आप बिल्कुल वैसे, बट रियल लाइफ तो ऐसी नहीं है हम लोग। तो आजकल के बच्चों का फोकस बहुत वो हो गया कि बच्चों को बस फोकस नहीं है, बच्चे बहुत जल्दी पेशेंस खत्म हो गए। तो आजकल के बच्चों को पेशेंस और फोकस की मैं बात करना चाहूंगा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लोग बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जॉब्स सूखा जाएगी, जी कैरियर में क्या जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा इससे? बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाले वक्त में जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पहले वेडिंग शूट होती थी या मूवीज जो शूट होती है हुआ करती थी, तो एक हेलीकॉप्टर होता था, उस हेलीकॉप्टर पे एक आदमी कैमरा लेके बैठता था, मूवी का शूट करता था हाई एंगल से, आपने देखा होगा। तो आजकल ड्रोन ने वो दोनों चीजें कर दी है, एक ड्रोन से आप वही चीजें करा सकते हो। तो हेलीकॉप्टर चलाने वाले पायलट की और उस कैमरामैन की जॉब खत्म। लेकिन जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए चैलेंज है, वहां एक वरदान भी है। हमको अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, और अपनाने के बाद क्या होगा कि हम लोगों को उसके साथ काम मिलके काम करना पड़ेगा। जैसे पहले ऐसा हुआ करता था कि कंप्यूटर्स आ जाएगा तो जॉब्स खत्म हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं हुआ, कंप्यूटर वाली जॉब और ज्यादा होगी। उस टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, हम उसके साथ मिलके करना पड़ेगा। जैसे कंटेंट राइटर की जॉब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कंटेंट राइटर की जॉब बहुत कम हो गई। पहले कंटेंट राइटर आप देखिए, हर चीज में कंटेंट राइटर की जॉब निकलती थी, अब कंटेंट राइटर की जॉब्स कम हो गई। लेकिन अगर एक कंटेंट राइटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मूव करे, उसको अपना के मूव करे, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको हर 5 साल में अपने आप को डेवलप करते रहना पड़ेगा मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। अमेरिका और मैं या जितने भी डेवलप कंट्री में, वहां तो पिज्जा डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे वो तो नितिन गडकरी साहब ने टेस्ला को इंडिया में आने के लिए वो मना कर दिया कि भाई ड्राइवरलेस कार नहीं चलेगी, नहीं तो 80 लाख लोगों की जॉब चली जाती। लेकिन हम कब तक रोकेंगे उसको? ये आएगा, जैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ कदम से कदम बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली, हमको उनके साथ मिलकर क्रिएट बनना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये एक अहम चीज है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान हमेशा है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है डरने के लिए, लेकिन हाँ उसको समझने की जरूरत है, उसके साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। सर, आपने जैसे सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया एक स्टूडेंट के लिए अच्छा है या फिर उसको सोशल मीडिया के उसकी मतलब जो पढ़ाई है उसके ऊपर साइड इफेक्ट? देखिए, आप भी स्टूडेंट है, आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हर इंसान सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया से तो हम बच नहीं सकते, तू भी मेरे से। हमको अपना टाइम रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा कि सोशल, आज फेसबुक में हमारे 1000 दोस्त है, लेकिन रियल में हमारे पास क्या हो रहा है, हम अकेले हैं। क्यों लोग कोटा में सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर 2000 दोस्त है, लेकिन आपके पास 1-2 नंबर ऐसे नहीं होंगे कि जो आपको लगे कि रास्ते में अगर आपकी 12 बजे आपकी गाड़ी खराब हो गई और रात को अगर आपको किसी की जरूरत पड़ गई तो 1-2 नंबर डायल। पूरी दुनिया से तो हम कनेक्टेड है, लेकिन अपनों से डिसकनेक्टेड हो गए।
तो ये सोशल मीडिया का दायरा एक, देखिए इससे हम बच नहीं सकते, या इसको हम, ये वही है, ये वो है कि जैसे आपको, आपके पास एक जिनी मिला और उस जिन को आपको विश करनी है, आप चाहे तो उससे आप दुनिया की तरक्की में उसकी विशेष मांगे या उसकी बर्बादी में। तो ये हमारा अपने ऊपर, अपना स्वयं के ऊपर फोकस और अपने स्वयं के ऊपर, स्वयं की वो रहेगी रेस्ट्रिक्शन रहेगी, जो सोशल मीडिया को किस तरीके से हमें यूज करना है। ये एक क्वेश्चन है जो मतलब पॉडकास्ट से अपना थोड़ा साइड है। जी जी। तो मतलब जो 12th पास आउट करके जो बच्चे जाते हैं कॉलेजेस वगैरह में, वो बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट होते हैं, बट वहां पर जाने के बाद उनको लव नाम की एक बीमारी लगती है। जी। तो वो उनके लिए मतलब बेनिफिट पैदा करेगी या फिर उनके लिए मतलब सब कुछ बेकार बेकार होगा? देखिए, लव नाम की एक बीमारी जिसके बारे में आप कह रहे हैं, वो क्या बेसिकली इन्फ्लेक्चुएशन होता है। और अब तो देखिए, कहने का मतलब ये, जब बच्चा नए माहौल में जाता है, नई चीजें समझता है, तो उसको ये होना स्वाभाविक है, ये नेचर के स्वभाव, जब नए उसमें रहता है। यहाँ पर मैं पेरेंट्स के रोल के बारे में थोड़ी बात करूंगा। पेरेंट्स बच्चों से बात करें, उनको बताए समझाए, क्योंकि पेरेंट्स भी तो कभी यंगस्टर है, उस एज से गुजरे हैं। पेरेंट्स को थोड़ा अपने बच्चों के साथ थोड़ा ओपन होना पड़ेगा, थोड़ा बात करनी पड़ेगी कि बेटा ऐसी ऐसी तुम्हारे साथ चीजें होगी और ऐसा सिचुएशन आएगी, तब आपको क्या करना है। ऐसा पेरेंट्स को थोड़ा खुला होना चाहिए कि बेटा कोई भी बात हो, कोई आपको ऐसा लगता है ये आपके साथ होना है, प्यार इश्क ये सब पेरेंट्स के वक्त में भी हुआ, वो भी कभी यूथ रहे, तो वो अपने बच्चों को फ्रेंड बना के रखे। देखिए, एक हमेशा कहना है कि आपको 15 साल 14 साल के बाद 12 साल के बाद अपने बच्चों से एज अ फ्रेंड के तौर पर वो करना चाहिए। हर चीज से समस्या की हुआ हाँ, लेकिन ये जो लव वाला या अगर इन्फ्लेक्चुएशन वाला आप अगर बात करें, इसमें आजकल हो क्या रहा है, आजकल हम मूवीज हमारी ऐसी आ रही है कि उसमें हिंसा ज्यादा हो रही है। यानी अगर सपोज करो एक्स ने वाई का प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करा, तो आजकल आप देख रहे समाज में वो इतना ज्यादा हिंसक हो जाता है कि वो खुलेआम शूट कर देता है, खुलेआम चाकू मार देता है, ये ज्यादा हो रहा है। तो इससे, इसके का मैं यही सॉल्यूशन है कि आप समाज को थोड़ा ओपन होना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार के इस चीज में, जो स्कूल गोइंग बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं, उनसे बात करें, समझे उनको, और अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो अच्छे काउंसलर्स के पास भी लेकर जा सकते हैं। आपने मूवीज की बात करी, तो पहले हॉलीवुड में मतलब कि सब कुछ अलग था और अब बिल्कुल अलग हो गया, मतलब हेयर स्टाइल से लेकर सब कुछ। तो ये एक टाइम के साथ चेंज है, फिर ये मार्केटिंग के साथ ये देखिए हेयर स्टाइल जो है ये एक पूरा मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बताऊं। अब आप देखेंगे, पहले जो हमारे हीरो होते थे, जैसे सनी देओल साहब, शाहरुख खान, सलमान खान या अक्षय कुमार, ये सारे क्लीन शेव होते थे आप देखेंगे। लेकिन अब आप देखें, सारे हीरो धीरे 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 बड़ी बड़ी बियर्ड रख रहे हैं, बड़े बड़े बाल कर रहे हैं। देखिए क्या है, ये पूरा एक मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी, एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप की गई है इन 4-5-10 सालों में, एक पूरी मेंस की ग्रूमिंग इंडस्ट्री। अब आप सपोज करें, अगर आप दाढ़ी रख रहे हैं, तो दाढ़ी रखने के बाद आपको हेयर ऑयल अलग आ रहा है, आपका आपका हेयर वैक्स अलग आ रहा है, आपका हेयर जेल अलग आ रहा है, आपके दाढ़ी के कंघे अलग आ रहे हैं। तो एक पूरी इंडस्ट्री, पहले क्या होता था, मेंस की इंडस्ट्री नहीं होती थी मेकअप की और उसकी, अब पूरी की पूरी चीज हीरोज वगैरह हम फॉलो करते, तो हेयर जेल, हेयर वैक्स, बियर्ड जेल, बियर्ड वैक्स, बियर वॉश, सब चीज अलग, पूरी इंडस्ट्री डेवलप करी करिए। वो इसीलिए करिए कि ये पूरा मार्केटिंग है कि अब हमारे को मेंस की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। पहले अगर देखे तो एक क्रीम आ जाती थी मेंस की, मेंस तो नहीं था। शेविंग करते थे मेंस, उसके अलावा क्लीन शेव रहते थे या मूछे रखते थे, या फिर उसके लिए क्या खर्चा आता था, उसके लिए बाद एक जिलेट का, मतलब एक एक्स वाई जी कंपनी का रेजर और शेविंग क्रीम, और ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो आफ्टर शेव। अब तो पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई ना बियर्ड की, बियर्डो के पूरा इंडस्ट्री, इसी वजह से ये मार्केटिंग ज्यादा है, इंसा मार्केटिंग ज्यादा है। सर, एक किसी भी पर्सन की लाइफ में फ्रेंडशिप का क्या है? बिल्कुल, ये फ्रेंडशिप ईश्वर का दिया हुआ सबसे नायाब तोहफा है, क्योंकि देखिए आप अपने माँ बाप को चुनते नहीं है, वो मिलते हैं। आप अपने माँ बाप को, ऐसा नहीं कि ये मेरे माँ बाप हो गए, ये मेरे भाई बहन हो गए, माँ बाप जो होते हैं या भाई बहन जो होते हैं, उनको चुनते नहीं है, वो आपको मिले हुए, भगवान ने आपको दे रखा है। दोस्त एक ऐसा है जिसको आप अपना दोस्त चुनते हैं। फ्रेंडशिप तो सब ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है हमारा, हम वैसे हम बहुत अहमियत होती है दोस्तों की, आप अपने दोस्त को, और ये भी ये है कि आप अपने दोस्त वैसे ही होते हैं जैसे आप अपने दोस्त, जैसे आप खुद है वैसे ही आपके दोस्त होते हैं। तो अपने फ्रेंडशिप को तो बहुत ही मायने दी जाएगी। हमारे ऑडियंस को कोई एक गिफ्ट वगैरह कुछ देना चाहूंगा? मैं आपकी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, क्योंकि मैं एक हम लोग समाज से आते हैं, समाज को वो देते हैं, तो मैं आपकी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी ऑडियंस मेरे को सुन रही है, मैं उसको फ्री काउंसलिंग सेशंस देना चाहूंगा। आप फ्री जो
काउंसलिंग्स हैं जो आपको अगर किसी भी समस्या में आप पीयर प्रेशर में अभी आप जो आपकी जैसा ज्यादातर ऑडियंस यंग है तो जो भी उनको किसी भी तरीके की समस्या कोई काउंसलिंग की जरूरत हो या किसी भी तरीके का आप एंजाइटी डिप्रेशन या किसी चीज का से आप गुजर रहे हो तो आप बिल्कुल मैं अपने आप में आप मेरे को ईमेल करिए, मैं ईमेल का एड्रेस वगैरह आपके पास दे के आप मुझे ईमेल्स करिए और मैं आपको फ्री काउंसलिंग सेशन 1-to-1 सेशन आपको मैं फ्री ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी हो अगर आप जयपुर की जनता है तो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन मैं आपको देना चाहूंगा। सर आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग बच्चे आप इस उम्र में इतना अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं। भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे कि आपका ये पॉडकास्ट है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, बहुत लोगों तक पहुंचे और समाज तक पहुंचे और खास करके उन लोगों तक पहुंचे जिनको हम बदलना चाह रहे हैं, जिनको सब कुछ ज्ञान कुछ देना चाह रहे हैं, जो हम हमारे इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यू ले सके ताकि वो और सुने आप लोगों को और भी आप अच्छे अच्छे आप पॉडकास्ट लाएंगे, बड़े बड़े आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आप लोग लेकर आएंगे और ये आपका चैनल खूब तरक्की करे, मेरी यही आपसे यही कामना है ईश्वर से। सर एक एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए? एडवाइस में मैं आपको यही कहूंगा कि आपको अपना अभी भी जो मेरा लास्ट हुआ है कि आपके पास ये मत समझिए कि आपके पास कुछ नहीं है, आप अपनी अगर ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, काउंट योर ब्लेसिंग्स करिए, आपके पास जिंदगी में जो कुछ नहीं है वो फिर आ जाएगा, ये सब जो है आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। डिमोटिवेट कभी मत हुई है जिंदगी में, डिमोटिवेशन कभी नहीं होना है जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी इटसेल्फ क्या है कि हमेशा जिंदगी आप खुद होने का लिए हमेशा जिंदगी आपको कुछ ना कुछ देती रहती है लाइफ में ना, जिंदगी आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हमें डिमोटिवेट करने के लिए सिस्टम पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि हमको डिमोटिवेट करे, हमें कंज्यूमरिज्म में डाले, हमको हमारे को एक इंसान ना समझ के कम्युनिटी समझे। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है और ग्रेटिट्यूड देना है। धन्यवाद। Thank you.